शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्य तेल की कीमतों में बीते एक सप्ताह के दौरान 10 से 20 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आई है। सरकार की ओर से आयात शुल्क हटाने और इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल का निर्यात शुरू कर दिए जाने के बाद से लगातार कमी आ रही है। हालांकि मसालों की कीमतों में कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। वहीं हल्दी को छोड़ दिया जाए तो बाकी मसालों की कीमतों में बीते वर्ष के मुकाबले करीब 70% तक की तेज़ी आई है। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बाजार में तेजी है लेकिन ग्राहकों की संख्या में भी बड़ी कमी आई है। सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए बीते महीने खाद्य तेल के आयात पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया था और सोयाबीन और सूरजमुखी के 40 लाख टन तेल का आयात ड्यूटी फ्री करने की बात भी कही थी। इससे कीमतों पर असर पड़ा है। बता दें कि व्यापारी कहते हैं कि जैसे ही सरकार ने आयात शुल्क हटाने का ऐलान किया तो उसके बाद से ही कीमतों में नरमी आनी शुरू हो गई थी। उधर इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक हटा ली है। इसके बाद पाम ऑयल की सप्लाई शुरू हो गई है लेकिन मसालों की कीमतों से कोई राहत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।